नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्ट्रगल टीवी में। मेरा नाम है स्विच, आप लोग सब मुझे जानते होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकतंत्र के ऊपर, क्योंकि देखिए सिर्फ मोटिवेशनल चीजें अपने जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए मैं जो करता हूँ, अगर आप लोगों को सिर्फ यही चीज के बारे में मैं बताता रहूँ तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हम सबकी जिंदगी में है। लेकिन हम में से बहुत सारे इंसान ऐसा है जो अपने आप को अपोलिटिकल समझते हैं, बोलते हैं कि मैं अपोलिटिकल हूँ और पार्टी पॉलिटिक्स या फिर इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। वो सही है आपके जगह पे, अगर आपका लेना देना नहीं है पार्टी पॉलिटिक्स से, तब भी आप पॉलिटिकल हैं या फिर लोकतांत्रिक हैं, क्योंकि आप एक लोकतंत्र के देश में या फिर एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या है ये समझने की बड़ा जरूरत आ पड़ा है आज के डेट में, कि लास्ट 4 सालों से हमारे यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है मेरे हिसाब से। हालांकि लोकतांत्रिक प्रोसेस से कोई चुन के आया है, उसके बाद से लोकतंत्र को एक खतरा है। और बहुत सारे लोग मुझे आपको मिल जाएगा ऐसा जो लोकतंत्र बचाने के लिए अभी इस समय संघर्ष कर रहा है, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र क्या है अगर आप इसको नहीं समझेंगे, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए या फिर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी क्या है ये नहीं समझ के आप अगर मतलब फाइट करेंगे तो वो कभी संभव नहीं है कि आप उसमें सफलता पा सकते। कम से कम लोकतंत्र क्या है ये समझ लीजिए, उसके बाद उसमें फाइट करने की मतलब बातचीत आता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज लोकतंत्र के बारे में बातचीत। मैं आपको एक चीज समझाना चाहूँगा, देखिए लोकतंत्र बनता कैसे है, एक एग्जाम्पल पहले देता हूँ फिर उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल में इस समय 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। मैं कोई वीडियो डालता हूँ, मान के चलिए ये सेम ये जो वीडियो है मैं इसी को डालता हूँ, इसमें कमेंट्स आता है कि मैं इंटरनेशनल, ठीक है, या फिर मेरे माँ को या फिर मेरे बहन को गाली दे के कुछ कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं उस कमेंट को देख के मैं सोचता हूँ मेरे पास तो 10,000 सब्सक्राइबर हैं, एक दो कमेंट अगर हम डिलीट कर भी देते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो ये स्टोरी ये हमको अगर हम ऐसा करेंगे, ठीक है, तो मैं लोकतांत्रिक नहीं। लोकतंत्र में एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि अपने विरोध को सुनो, सुनने की ताकत। अगर मेरा कोई विरोध करता है, मुझे कोई गाली देता है, मेरे फैमिली को उठा के कोई गाली देता है, ठीक है, तो उस चीज का मैं स्वागत करता हूँ, मैं सुनता हूँ, सुन के भले ही मुझे गुस्सा आए, लेकिन जब मैं पब्लिक फोरम में हूँ, जब मैं पब्लिक फोरम में कोई काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तब मुझे ये सब चीज़ को सुन के इससे सबक लेना पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्या कहा है कि उनको इतना दिक्कत हुआ है, उनको इतना दर्द हुआ है, ठीक है। देखिए कोई गाली देता है तो सही बात डेफिनेटली है नहीं, लेकिन फिर भी उस चीज़ को भी सुनना चाहिए कि उसके मन का किसी हिस्से को तो मैंने इतना मजबूर कर दिया है कि वो मुझे गाली देने के लिए तो तैयार नहीं है। तो यही लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो विरोधी है उनके आवाज को सुनने की जरूरत है। अगर आप नहीं सुनते तो आप अलोकतांत्रिक हो जाते हैं। हमारे देश में इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस तब बन जाते हैं जब आप अपने विरोधी के बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मैं आप सबको यही बताना चाहता था, हम लोग क्योंकि हम लोग ये करते हैं हमारे मतलब फेसबुक में या फिर कमेंट में या फिर यूट्यूब में जो भी कमेंट्स आते हैं, अगर कुछ नेगेटिव हमारे लिए लगता है तो हम उसको डिलीट कर देते, रिमूव कर देते। हमारा लोकतंत्र भी इस तरीके से लंगड़ा हो गया है, सिर्फ लाइक का बटन तो है, डिसलाइक का बटन नहीं, ठीक है। हालांकि हमारे यूट्यूब में ऐसा नहीं, यूट्यूब काफी लोकतांत्रिक है, लाइक डिसलाइक दोनों बटन आता है, तो फेसबुक के जैसा नहीं है, फेसबुक के जैसा हो गया हमारा लोकतंत्र, जिसमें सिर्फ लाइक कर सकते हैं या फिर कमेंट में गाली देके जा सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करने का ऑप्शन नहीं है। तो यही चीज है दोस्तों, मैं आप सबको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप लोकतंत्र को बनाना चाहते हैं, अपने देश को सुधारना चाहते हैं, तो पहले अपने खिलाफ उठने वाले जितने भी क्रिटिसिज्म है उसको सुनने की हिम्मत रखो, ठीक है, तभी आप लोकतांत्रिक हो। अगर आज आप लोकतांत्रिक बन गया, एक भी इंसान को मैं लोकतांत्रिक अपने विरोधी को सुनने का ताकत या इतना यहाँ तक पहुँचा पाया,
तो कल पूरा समाज लोकतांत्रिक बनेगा, क्योंकि ये जो नेता है ना हमें, अभी जो लोग पावर में बैठा हुआ है, आपको लगता है कि ये लोग लोकतांत्रिक नहीं है, आपको लगता है कि ये लोग हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, ये गलती है आप, ये हमारे खिलाफ काम नहीं कर रहे, हम लोग इस तरीके से सोचते हैं, इसीलिए समाज का रिप्रेजेंटेटिव भी है वो नेता है, वो आपका घर में रखा हुआ डस्टबिन है, आप यहाँ पे अपना खाने का वेस्ट रखा सब कुछ जो मतलब वेस्टेज चीज है वो आप फेंकते हैं, ठीक है, जैसा घर का डस्टबिन है ये, फिर आपका परिवार का सदस्य जो होता है, आप अगर घर में गाली देके बात करते तो आपका बेटा भी गाली देने लगता है, ठीक है, तो उसी तरह से आप अगर समाज में किसी विरोधी के बात को सुनने की ताकत नहीं रखते तो आपका नेता भी आज के जैसा आज जो हुआ है, आपके बात को आप अगर विरोध में कुछ कह रहे हैं तो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, यही लोकतंत्र है, ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो अगर आप लोकतांत्रिक बन गए हैं, अगर आप एक पिताजी हैं, अगर आप एक बाप हैं, तो आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका बेटी किसी शादी करेगा या नहीं करेगा, आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका वाइफ साड़ी पहनेगा या फिर जींस पहनेगा, आप सजेशन डेफिनेटली दे सकते हो कि आप साड़ी पहनो या फिर आप अपने बेटे को सजेशन दे सकते हो कि आप इस लड़के से शादी कर लो, लेकिन आप उसके ऊपर जुलम कर नहीं करेंगे, जोर नहीं करेंगे कि आपको यही करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको पैसा देता हूँ। तो सबसे पहले खुद को लोकतांत्रिक बनाइए, धीरे धीरे देखिएगा, अगर आप खुद को लोकतांत्रिक बनाना शुरू कर दिए हैं, अगर आप खुद लोकतांत्रिक हो गए हैं तो आपके समाज भी धीरे धीरे लोकतांत्रिक बनता है। तो आज मुझे इतना ही कहना था आप सबको, बाकी बहुत सारे चीज़ें हमारे चैनल में होते रहते हैं, इस सब के लिए आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले लोकतंत्र क्या है, ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो एक्चुअली हमारे यहाँ पे हर रोज एक नया वीडियो आते रहता है, कम से कम एक से ज़्यादा भी आते हैं, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो का, धन्यवाद।